नहीं रहे नट्टू काका। मशहूर टीवी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका लोकप्रिय किरदार निभाने वाले घनश्याम नायक की 67 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। घनश्याम नायक लंबे टाइम से गले के कैंसर से पीड़ित थे। पिछले साल उनका इसी सिलसिले में ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन वे कैंसर से उबर नहीं पाए और मुंबई के मलाड इलाके में सूचक अस्पताल में शाम 5:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। नट्टू काका की मौत से इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई। कई टीवी कलाकार नट्टू काका के परिजनों से मिलने अस्पताल पहुंचे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की निर्माता असित मोदी ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए घनश्याम नायक की मौत की पुष्टि की। नट्टू काका मुंबई के मलाड इलाके में रहते थे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में उनका किरदार काफ़ी लोकप्रिय था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता असित मोदी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि घनश्याम जी मेरे साथ साल 2001 से जुड़े हुए थे। मेरा और उनका रिश्ता काफ़ी गहरा और पारिवारिक किस्म का था। उनका आशीर्वाद न सिर्फ मुझ पर बल्कि सीरियल की पूरी यूनिट पर हुआ करता था। हम सब मिलकर हंसी खुशी काम किया करते थे। वे बहुत ही प्यारे और नेक इंसान थे। हम सब उन्हें बहुत मिस करेंगे। इसी से रिलेटेड आसित कुमार मोदी ने ट्विटर पे ट्वीट किया, हमारे प्यारे नट्टू काका हमारे साथ नहीं रहे, परम कृपालु परमेश्वर उन्हें अपने शरणों में स्थान दे और परम शांति दे, उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शांति दे। नट्टू काका, हम आपको नहीं भूल सकते। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि भारत जैसे महान देश में मेरा जन्म हुआ, जहाँ की मिट्टी में भाईचारा, प्रेम और इंसानियत है। एक ऐसी याद जो जीवन भर मुझे खुशियां देती रहेगी।